डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स की, जैसे कि क्लाउडी और सनी, विंडी एंड रेनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी हूल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वेदर के बारे में। ओके पीहू, यस। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेदर के बारे में, पर उससे पहले पीहू, डू यू नो व्हाट इज वेदर? नो, पता नहीं। पता आपको नहीं? ओके, आई विल टेल यू। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ वन एरिया, ओके, लाइक कोल्ड, रेनी और हीट। ओके ओके। सो पीहू, अब तो आपको पता चल गया वेदर होता क्या है, पर पीहू आपको ये तो पता है ना कौन कौन से टाइप्स के वेदर्स होते हैं? दिस इज क्लाउडी। यस, यू आर करेक्ट। सो फ्रेंड्स, कुछ बच्चों को लगता था कॉटन से बनते हैं क्लाउड्स। नहीं, ऐसा नहीं है पीहू। क्लाउड्स आर मेड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और फ्रोजन क्रिस्टल ऑफ वाटर। क्लाउडी वेदर में आपको ऊपर बहुत सारे क्लाउड्स मिलेंगे, और जब पीहू और मैं ऊपर छत पे जाते हैं और हमें बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं, दैट मींस उस दिन क्लाउडी वेदर है। और पता है फ्रेंड्स, आज भी हमारे यहाँ क्लाउडी वेदर हो रहा है। ये है सन। पीहू, सनी मींस ब्राइट शाइनिंग स्काई एंड देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। जब आप ऊपर जाओगे और आपको सिर्फ सन दिखेगा और कोई भी क्लाउड नहीं दिखेंगे, दैट मींस वो है सनी डे, सनी वेदर। सनी वेदर में फैन चलाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं बहुत सारी, बिकॉज बहुत हॉट हो रहा होता है, और हम कॉटन क्लोथ्स भी पहनते हैं, है ना? यस। ये है रेनी। यस, इन रेनी वेदर रेन्स कम, बहुत सारी रेन आती है, और पीहू हम दोनों तो मिलके ना रेनी वेदर में पेपर बोट्स बना के चलाते हैं, बहुत मजा आता है। आप पेपर बोट्स बनाते हो और मैं इसके नीचे लगती हूँ। यस, और फिर वो पेपर बोट पानी में चलती है, तो हम रेनी सीजन, रेनी वेदर में तो बहुत मजा करते हैं। ये है विंडी वेदर। यस, इन विंडी वेदर द Winds blows and it is just the moving air. इसका मतलब है कि जो एयर होती है ना वो बस बहुत जोर से हिलती है, तो हम उसको बोलते हैं विंडी वेदर। विंडी वेदर। यस, और विंडी वेदर में तो बहुत मजा आता है, बहुत अच्छी विंड चल रही होती है। मैं तो ऊपर जाके मम्मा के साथ और पीयू के साथ बहुत मस्ती करती हूँ ऊपर जाके। हाँ जी। ये है स्नोई वेदर। यस, एंड इन स्नोई वेदर बहुत सारी स्नो पड़ती है। पीयू ने तो स्नो नहीं देखी, पर एक बार पीयू ने शायद देखी है नैनीताल में। अरे क्रिसमस था, और ऐसे जो ट्रीज थे ना उनके ऊपर जब स्नो आई थी तो ऐसा लग रहा था क्रिसमस ट्री बन गए। और बर्फ भी था। यस, और स्नो तब पड़ती है जब 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब रेनफॉल फ्रीज हो जाती है 0 डिग्री टेम्परेचर की वजह से, तब स्नो पड़ती है और बहुत मस्ती करते हैं हम तो स्नो में। स्नोमैन भी बनाते हैं कुछ बच्चे। हमारी वीडियो को लाइक्स करना, बहुत सारे लाइक्स देना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो पक्का लाइक देना, क्योंकि पीयू ने तो आज सीख लिया। हाँ जी। बच्चों, आप सबको मुझे बताना है कमेंट करके कि आपका फेवरेट सीजन, मतलब वेदर कौन सा है और आपको क्यों पसंद है। इसलिए आप जाइए मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, कमेंट डालिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।